तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है इस इकलौती धमाकेदार जिम में। और आज आपको हम दिखाने वाले हैं अपने जिम के सारे इक्विपमेंट्स, वो भी बहुत ही बारीकी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सारे इक्विपमेंट्स बने कैसे हैं और आप इसे अपने घर पर बना कैसे सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं संजीव अपने छोटे भाई के साथ अपनी सारी की सारी जिम इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, ताकि ये जिम आप अपने छत पे, अपने घर की टेरिस पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं बेंच प्रेस, क्योंकि यार एक अच्छी चेस्ट के लिए बेंच प्रेस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और एक बेंच प्रेस आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हो। मैंने अब बनाया हुआ है एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा, दो अपने डंबल्स को रखने के लिए बारबेल शो, और बहुत आसानी तरीके से आप इसमें वेट तो आसानी से बढ़ा सकते हो और अपनी एक अच्छी चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। ये रहा हमारा बेंच प्रेस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि मैंने देसी तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी इक्विपमेंट्स वैसे ऑर्डर नहीं किए और ना ही कोई चीज़ें मैंने ऐसी ऑर्डर की है जो कि मैंने पैसे से मंगाए हो, क्योंकि बने सिर्फ ईंट सीमेंट और छोटे कंकड़ से ही हैं। तो ये आप आसानी से बना सकते हो अपने घर पर। हम आपको दिखाने वाले हैं और अपनी दूसरी सारी चीज़ें, तो हम आपको अब दिखाने वाले हैं अपने छोटे डंबल्स, क्योंकि यार देखो डंबल छोटे बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके पास छोटे डंबल्स नहीं है और अगर आप स्टार्ट करने वाले हो बड़े डंबल से, तो आप बहुत लंबा वर्कआउट कर नहीं पाओगे। इसलिए हम आपको दिखाने वाले हैं अपने छोटे डंबल्स को, और छोटे डंबल्स आपको ज़्यादा लंबे तक वर्कआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये बने हैं सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और पाइप से, क्योंकि अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो बहुत ही सस्ता बन जाएगा। अगर आप वहीं पे खरीदने के लिए जाते हो बाहर पे, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और आपको वो अच्छा नहीं लगेगा जो आपको खुशी इस डंबल से घर पे बनाकर वर्कआउट करने में मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका सबसे अच्छा घर पे डंबल बनाने का। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको चेस्ट बनाई की सबसे यूनिक मशीन, जो कि हमने घर पे बनाई हुई है, वो रही ये मशीन, क्योंकि यार ये मशीन से भी चेस्ट का शेप बहुत अच्छा आता है और इसे बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगने वाला है, बट आप बहुत अच्छी तरीके से घर पे बना सकते हो, जिससे कि एक अच्छी चेस्ट आप घर पे बनाओगे। तो ये रही हमारी चेस्ट की सबसे यूनिक मशीन, जिसे भी आप घर पे बना सकते हो। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मशीन जिससे आप अपने बॉडी पार्ट्स की बहुत सारी वर्कआउट सिर्फ एक मशीन से करने वाले हो। ये रही हमारी वो मशीन, इससे आप ट्राइसेप की वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हो, जो कि मैंने पूरी तरीके से देसी तरीके से तैयार करवाई हुई है, और इसे आप आसानी से घर पे कर सकते हो। बिल्कुल भी एक अच्छी ट्राइसेप आप घर पे पा सकते हो सिर्फ इस मशीन से, और आप इससे एक और वर्कआउट कर सकते हो, अपने बैक को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप अच्छी तरीके से बीम चुन सकते हो, जितनी मन के आप उतनी कर सकते हो आसानी से इस तरीके से। ये होगी इतनी ज़्यादा मजबूत कि आप इसमें से कोई डर नहीं होगा कि ये कभी आपको निकल जाए। और इसे आपको बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि पाइप, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है थोड़े से तार्स की और थोड़े से वेट की, और आपको एक ऑर्डर करनी पड़ेगी थोड़ी सी गड़ारी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और आप जाके वहां से बाई कर सकते हो। और आपको जरूरत हमेशा होगी अपनी देसी जिम में एक टेबल की, क्योंकि टेबल से वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप टेबल से बहुत सारी वर्कआउट्स बैठ कर कर सकते हो। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं अपने जिम के बड़े बारबल्स, क्योंकि आपको दिखने वाले हैं बहुत बड़े बारबल्स, जो कि हमने घर पर बनवाए हुए हैं, और इसे आप बनाने के लिए बस आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है आपको पाइप्स की, आपको ज़रूरत है सीमेंट की, आपको ज़रूरत है ईंट गिट्टियों की, जिससे आप आसानी से सेफ तरीके से घर पे बना सकते हो। तो ये रहे हमारे वो बारबल्स जो कि घर पे बनाए हुए हैं, जो कि आप ये बारबल्स दिखाते हैं हम आपको, जिसमें कि आप सिर्फ इसके जो वेट्स है वो घर पे बनाए हुए हैं, बस हमने रॉड ऑर्डर की हुई है फ्लिपकार्ट से, जो कि आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपके पास कल रॉड है तो आपके बाइसेप का सेप बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं थोड़े से बड़े बारबल्स, बड़े बारबल्स का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये भी मैंने घर पर बनवाया हुआ है, जिसमें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वेट अपने घर पे बनाया है और मैंने ये रॉड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की हुई है। उसके बाद हम दिखाने वाले हैं आपको थोड़े से वेट उठाने के लिए, क्योंकि वेट उठाने की मशीन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वेट जितना लिफ्ट करोगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी, और आसानी तरीके से आप इसे घर पर बना सकते हो, जो कि बस आपको थोड़ी सी ज़रूरत है वेट की और थोड़ी सी ज़रूरत है आपके माइंड सेट की इसे बनाने के लिए, क्योंकि आप इसे घर पर बनाओगे अच्छा से अच्छा रिजल्ट घर पर। फिर हम आपको दिखाते हैं एक और यूनिक मशीन, जिससे कि आप दो एक्सरसाइज कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, वो ये मशीन, जिससे कि आप बाइसेप की वर्कआउट इससे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यार इसके करने के लिए आपको बहुत आसानी तरीके से ज़रूरत होती है एक बाइसेप, अच्छे बाइसेप के लिए। और ये भी बनाया हुआ है मैंने घर पे, और आप इससे और अच्छी खासी बाइसेप की वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि आप इससे डंबल पूरी तरीके से इसे ऊपर रख सकते हो और वर्कआउट करने के बाद इसे फिर से रिटर्न इसी पर रख सकते हो।
हो जाती है हमारी और एक जिम मशीन, और हम आपको दिखाने वाले हैं ट्राइसेप की एक और यूनिक मशीन, जिसे देखने के बाद आप बोलोगे भाई से आप कैसे घर पे बना सकते हो। और वो रही ये हमारी ट्राइसेप की मशीन, जिसे कि मैंने घर पे बनाया हुआ है, और एक अच्छा इम्पैक्ट के लिए बहुत ही अच्छी ट्राइसेप मशीन, जो कि आपको जरूर बनानी चाहिए अपने जिम में, और आप इसे आसानी से बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सिर्फ आपको जरूरत होगी टीन की, पाइप्स की और वेट्स की, जिसे कि आप घर पे बनाने वाले हो। और सबसे लास्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं अपने देसी जिम का मिरर, क्योंकि यार अगर आपके जिम में मिरर नहीं है तो आपको वो मज़ा नहीं मिलने वाला है जो कि इससे देखने के बाद मिल ही जाएगा, क्योंकि यार मिरर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसे आपको बनाना चाहिए घर पर, क्योंकि यार इसे बनाने के बाद आप बोलोगे ना हाँ वर्कआउट करने का मज़ा अलग मिल रहा है, क्योंकि आप बॉडी पोजेस वगैरह इस मिरर में ही देख सकते हो। तो ये मिरर मैंने घर पे बनाया हुआ है, घर पे मिरर का इक्विपमेंट बनाया हुआ है, मिरर मैंने लाया हुआ है, और इसे सेट करने के बाद आप वर्कआउट बहुत ही अलग। ये रही हमारी ऐसी धमाकेदार देसी जिम, जिसे देखने के बाद आपको भी लगा होगा कि आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हो, और आपका भाई इसे आपके घर पे बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो, और आपका भाई पूरी हेल्प करेगा आपके ऐसे घर पे एक ऐसी जिम बनाने के लिए, क्योंकि यार फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसी छोटी सी जिम आपकी छत की टेरिस पर, जो कि आप कभी भी वर्कआउट कर सको। तो यार वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए बाय बाय।